सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो हम बना रहे हैं सोनीपत ज़िले से, और छोटे भाई ने नया नया काम शुरू किया है पशुओं का, बिक्री का। और इस एरिए में बहुत ही कम ऐसे पशुपालक हैं जो ज़्यादा अच्छे पशु रखने के शौकीन हैं। तो जो भाई दिल्ली या मैं कहूँगा हमारे इधर का साथ लगता बागपत है, इस एरिया के यूपी के एरिया के हैं या जींद से हैं, तो जो भी साथ लगता सोनीपत के एरिया है, आप यहाँ से भाई साहब के यहाँ से पशु ले सकते हैं। क्योंकि जो भाई भिवाणी या हिसार तक नहीं पहुँच सकते, जो यूपी के हैं भाई या दिल्ली से हैं, बहादुरगढ़ से हैं, वो अपने नज़दीक से पशु आजकल भाई प्रोवाइड करवाएंगे आगे। तो भाई साहब से पूछेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे, गाँव के बारे में सारा कुछ पूछेंगे। छोटे भाई क्या हाल है? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है अपना? मंजीत भाई साहब। मंजीत, मंजीत भाई गांव कौन सा है अपना? ये गांव बैसवाल कला, जिला सोनीपत। बैसवाल कला गांव है, जिला सोनीपत है। बैसवाल कला जो गांव है ये बहुत मशहूर अपने हरियाणा में है, क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा मशहूर रागनी गायक हुए हैं मास्टर सतबीर जी, उनका ये गाँव है ये कह सकते हैं। तो योगेश्वर दत्त पहलवान हैं, वो भी जो ओलंपिक में मेडल ले चुके हैं, उनका गांव भी यही है। तो छोटे भाई कितनी भैंसे हैं अपने पास आज? आज पांच है। पांच है, बिक्री वाली है 500? हाँ जी। तो किधर से दिखाना शुरू करोगे? एक नंबर वाली ये भाई कितनी उम्र की है, कितने दांत है जोटी? ये 6 दांत है जी। 6 दांत है, पहली बार बच्चा देगी? ठीक है ठीक है। क्या कुछ रिकॉर्ड का पता है इसका आपको? रिकॉर्ड का नहीं पता जी, CIRB से ली थी। CIRB हिसार? हाँ जी। तो वहाँ से क्या तरीका रहा इनको लेने का भाई? बोली वगैरह लगी थी? बोली हुई थी जी। ठीक है, वहाँ से लिया था। CIRB हिसार से भाई साहब ने कटड़ी ली थी, और अभी 6 दांत है। कितने महीने रह गए ब्याने के इसके? 5 महीने की होगी जी। खोल के चलाओ इसको, 5 महीने की होगी ग्याबिन, तो 5 महीने बाकी हैं। तो इसको बेचने कितने की बेचनी है भाई? इसका तो जी मौके पे देखेंगे। मौके पे देखेंगे। लंबाई ऊंचाई की बहुत अच्छी है, बाहर ले चलो। बिल्कुल छोटे सींग की जोटी देखिए, बहुत ही सुंदर है और फुल साइज की है। तो मौके पे भाई ने बताया, देखेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर जोटी है, शो क्वालिटी की मैं इसे कहूँगा। 6 दांत है, थोड़ी बड़ी होके ब्या रही है। तो CIRB वालों ने क्यों निकाली भाई साहब फार्म से, ये कुछ पता है आपको उसके बारे में? आपको ज्यादा हो गए थे एक। हाँ हाँ। कलोन बना रहा जैसे मुर्रा नस्ल का। अच्छा, कलोन तैयार किया था इनके ऊपर। ठीक है ठीक है, बंद हो भाई। 6 दांत जोटी, 5 महीने में बच्चा देने वाली, बहुत सारे भाइयों की डिमांड होती है ग्याबिन कटड़ियों की। तो भाई से पूछ सकते हैं आप, संपर्क कर सकते हैं। भाई का नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, नीचे से दिखा भी दी थी। ये देखो चारों थन अलग अलग हैं, काफ़ी दूरी पे हैं। इससे आगे 2 नंबर पे एक दूध वाली जोटी, ये भाई ब्याई हुई है? एक हफ्ता। इसको खोल के ले आओ इधर। कौन सी बार बच्चा देगी? दूसरी बार देगी जी। क्या दूध दिया है पहले ब्याह, तुम्हें पता हो? 13-14 किलो दूध दिया जी, मान लीजिए बता। 13-14 किलो दूध दिया है पहले ब्याह में। फुल साइज की जोटी है, इसकी कीमत क्या रखी है भाई? 1,15,000। 1,15,000 रुपये। ये देखिए फुल साइज की जोटी है, 8वें दांत निकालती हुई ले आओ अंदर। बारिश हो रही है हरियाणा में, आज पूरे हरियाणा में फिलहाल बारिश का मौसम हो चुका है। 2-4 दिन बंद रहा बीच में बारिश, अभी फिलहाल हो रही है। देखिए जोटी फुल साइज की, सींग जो है शरीर के हिसाब से सेट है। दूसरी बार बच्चा देने वाली जोटी, 1 हफ्ता बाकी भाई साहब ने बताया, 1,15,000 रुपये में। ये देखिए अडरोड थन थन बहुत साफ सुथरे हैं, बिल्कुल सफाई वाले। बस भाई इससे आगे फिर एक और, ये भाई कैसी है? ये 3 महीने की क्या पड़ोगी जी? 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये भी बेचनी है? कितने दांत है अभी ये? ये 4 दांत। 3 महीने की प्रेग्नेंट कटड़ी देखिए, 4 दांत। ये भी फुल साइज की है। ये अपने घर की है या ये भी खरीदी थी? ये अपने घर की, M416 से क्या पड़ा? M416 से प्रेग्नेंट है, घर की कटड़ी है, और बिल्कुल छोटे सिंह की 4 दांत। ये देखिए साइज फुल है जोटी का, इसका भी बहुत बड़े साइज की है। जो बीच में दूध वाली जोटी हमने दिखाई वो ज़्यादा बड़ी है, इस कारण से ये साइड में जो कटड़ियाँ हैं ये थोड़ी छोटी लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप रियलिटी में आके देखोगे तो सारी की सारी कटड़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं। बहुत ही सुंदर कटड़ी ये भी। इसको कितने की बेचने का विचार है भाई?
इसका भी टाइम पे देखेंगे, इसका भी मौके पे रेट करेंगे भाई। इसकी माँ 21 किलो दूध देती, 21 किलो दूध माँ का। बाप का भी पता है कुछ? बाप का नहीं पता जी, साथ में आई थी। हाँ जी साथ में आई थी। ठीक है ठीक है। इससे आगे एक और कटड़ी मोटी ताजी, ये भाई CIRB से ली थी अभी। ये कितने महीने की क्या बिना? ये 5 की हो रही है। 5 की। तो कौन ये कौन से बुल से है प्रेग्नेंट? ये जी पंचायती बुल से। पंचायती बुल से। इसकी क्या कीमत रखी है भाई? इसके 85,000 रुपये थी। 85,000 रुपये। देखिए बहुत ही बढ़िया, ये भी बिल्कुल छोटे सींग की। ये तो दांतों से मिली हुई लग रही है ऐसे के, तो बाकी गियर भी है, पूरे कर देगी, मिला देगी। ठीक है ठीक है। 8वें दांतों में कह सकते हैं, थोड़ी बड़ी होके कलोन वगैरह तैयारी इनके ऊपर की थी, इस कारण से थोड़ी बड़ी उम्र इनकी हो चुकी है। ले आ भाई, ये इसका टैग नंबर है CIRB 222। CIRB 222। ठीक है, 85,000 रुपये में। ये भी पाँच महीने की बताई ना, 5 महीने की क्या जोटी? प्योर मुरा सारी की सारी, लगभग एक जो ब्याने वाली है उसकी थोड़ी सी पूंछ ज़्यादा सफ़ेद है, बाकी बहुत सारे भाई मुरा को छोड़ के आजकल दूध के ऊपर ज़्यादा आ चुके हैं। इससे आगे ये कमज़ोर सी भैंस भाई, ये आज ये 10 दिन की ब्याई हुई, 11 किलो दूध इसकी। 10 दिन की ब्याई में 11 किलो। ये कितने की बेचनी है? इसकी 80,000 रुपये। 80,000। तो कुछ और भी दूध बढ़ाएगी? बढ़ाएगी जी, अभी मरला नहीं लगी। कितना बढ़ा लेगी भाई? 2 किलो दस राजी राजी बढ़ा लेगी। 11-12-13 किलो दूध दे देगी। 13 किलो दूध की 85,000 रुपये में, 6 दांत दूसरे ब्यांत की। तो जोटी ये भी कमज़ोर ज़रूर है लेकिन साफ सुथरी है, छोटे सींग की बिल्कुल, पतली चमड़ी, कमज़ोर है तो पतली ज़्यादा भी दिखाई दे रही है चमड़ी। ये देखिए 13 किलो दूध की जोटी, जो इस एरिए से हैं भाई, बहुत सारे कहाँ से? महेंद्रगढ़ रूडीवास गांव से। ठीक है, ये वीडियो हम सुबह सुबह बना रहे हैं, देखने वाले भाइयों को बताना चाहूँगा, लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है दोपहर का, तो आप शाम को आके देखेंगे तो जोटी का ऑर्डर जो है वो और बड़ा दिखाई देगा। ले आ भाई, तो ये बिक्री के लिए है, एक जोटी और भाई के पास बहुत ही सुंदर जिसको घर पर रखा है वो भी आपको दिखाते हैं। जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो हमारे साथ 2-4 मिनट और बने रहे। इसके साथ ही एक और जोटी भाई के पास बहुत ही बढ़िया शो क्वालिटी की, देखिए सामने आप देख पा रहे हैं अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी जोटी है, रेयर, बहुत चांस, कम चांस होते हैं इतनी अच्छी जोटी देखने को मिलती है। तो छोटे भाई ये कौन से ब्यात की है? तीसरी बार ब्याई। ये कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है? 15 दिन की। दूध कितना दे रही है फिलहाल? दूध 19-20 किलो तैयार है। 19-20 किलो दूध 15 दिन की ब्याई हुई के नीचे बिल्कुल तैयार है। तो छोटे भाई ये आपके घर की है या खरीदी थी? खरीदी थी भाई साहब, एक आप वीडियो बनाते हो उससे खरीदी थी। अच्छा अच्छा, 2 महीने की झूठ बोलती थी, क्या बताई 5 महीने की भाई, 3 की थी। तो भाई ने एक जिनकी हम वीडियो बनाते हैं उसके पास से खरीदी थी, 5 महीने की ग्याबिन बताई भाई कह रहे हैं और पाई 3 महीने की ग्याबिन। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से कोई भी पशुपालक या किसान भाई झूठ भी बोल सकता है, तो आप जहां से कोई भी पशु खरीदे पूरी तसल्ली करके ले, चाहे वो दूध का मामला हो या फिर कोई ग्याबिन होने वाला पशु हो या कोई इस तरह का हो। टीका बता रहा जी बढ़िया गुलकार और कटड़ा दे रहा था जी, इसने फूला जी, फुला पखाड़ा कटड़ा दे रखा है भाई कह रहे हैं, और लाडला का इंजेक्शन सीमन रखवा था ये कह रहे थे। तो छोटे भाई ये घर रखोगे या बेचने का विचार है? इसको जी देखेंगे, पैसे लग गए तो बेचेंगे ना तो घर रखेंगे। ठीक है, एक बार घुमा के चला के दिखाना। तो दूध की क्या उम्मीद कर रखी है, कितना दूध निकालेगी? छह दांत के नीचे 22 किलो दूध था। ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की बहुत ही शानदार जोटी है, बहुत ही कम ऐसी ऐसी आजकल जोटियां देखने को मिलती हैं शो क्वालिटी की, और यहां से रोहतक भी नज़दीक है, गोहाना भी नज़दीक है और जींद भी लगभग मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर के आसपास होगी, 40 है जींद, तो जींद भी 40 किलोमीटर है। तो जो भाई भैंस लेने के इच्छुक हैं भाई से संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी जोटियाँ बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी होती है, चाहे वो पंजाब के भाई हों, चाहे हैदराबाद आंध्रा साइड से कोई भी भाई हों, रोहतक 25 किलोमीटर, ले आओ अंदर बता रहे हैं भाई साहब साथ ही। तो इसको भाई साहब क्या दे रहे हैं फीड में जोटी को?
जिसको बिनोड़ा हाँ हाँ चना जी हाँ हाँ बिनोड़े की खड़ जी हाँ हाँ छिलका छिलका ठीक है लैक्टो मिल्क की कैल्शियम देते हैं जी कैल्शियम देते हैं लैक्टो मिल्क की ये देखिए ये लैक्टो मिल्क की कैल्शियम देते हैं तो ये इसका क्या रिजल्ट है भाई साहब कैल्शियम का इसका बहुत तगड़ा रिजल्ट है जी शाम गाय को तो बहुत ज्यादा तेज से लड़ती है शाम को देते सुबह असर मिलता दूध का जी शाम को दे दें सुबह कितना कितना फर्क पड़ जाता है गाय तो जी एक एक डेढ़ किलो बता देते जी शाम को देने के बाद सुबह ठीक है मैकवेल कंपनी की है लैक्टो मिल्क के नाम से चिलेटेड कैल्शियम की पूरी बड़ी कैनी ले रखी है भाई ने गाय का दूध एक किलो तक बढ़ा देती है भैंस को जी 4-5 दिन में बढ़ा देती है ठीक है ये देखिए जोटी बहुत ही शानदार दूर से आप देख नहीं पा रहे होंगे सही बहुत बढ़िया बड़े अड्डर की जोटी है थनों का साइज आकार भी बहुत ही बढ़िया है ये देखिए और कितना बताया भाई 24 किलो दूध निकाल देगी उम्मीद 24 किलो की जी 24 किलो दूध निकाल देगी तो बहुत ही शानदार हो जाएगी गाय भी रखी है छोटे भाई गाय भी है जी दूध बेचते हो इनका या घर रखते हो जी दूध बेच देते हैं तो या गाय भी बेचते हो गाय भी बेच देते हैं जी तो ये कितना दूध दे रही है गाय जी 4-5 दिन की ब्याई है इसके नीचे 17-18 किलो दूध है 4-5 दिन की ब्याई में 17-18 किलो दूध इसकी कीमत क्या होगी भाई साहब इसकी कीमत 60,000 रुपये जी 60,000 रुपये ठीक है HF क्रॉस ब्रीड की गाय है और एक फिर आगे चार दाता ने जिसने 18 किलो दूध दिया पिछली बार अभी कितना निकाल देगी पूरा तो 20 प्लस करेगी 20 प्लस 65,000 की बताई ना 60,000 रुपए की दूसरी बार की है इससे आगे बहुत ही कम देखने को मिलती है सफेद गिर गाय तो एक वीडियो हमने रोहतक बनाई थी शायद गुड़गांव बनाई थी कमल यादव जी हैं बीजेपी के बहुत बढ़िया लीडर गुड़गांव से उनके पास बनाई थी तो गाय देखिए बहुत ही बढ़िया है ये भाई कितना दूध दे रही है ये ब्याएगी जी बच्चिया है बच्चिया है खीरी दूध के दांतों में है दूध के दांतों में ठीक है बाहर निकल जाएगी दूध के दांतों में गिर नस्ल की बच्चिया बहुत ही सुंदर बहुत ही रेयर मिलती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना गया है इसे और बहुत ही सुंदर बच्चिया है ये देखिए अभी गैबिन कितने महीने की है अच्छा चेक नहीं करवाई है ठीक है चेक करवानी चाहिए थी ठीक है देखिए नीचे से भी बहुत ही सुंदर तो ये भी बेचनी है भाई देखेंगे जिसका भी पैसा लगेगा तो देंगे नहीं तो ना जी कोई कीमत का आइडिया दोगे कीमत तो जी टाइम पे बताएंगे इसकी ठीक है तो ये देखिए आज जो भाई साहब के पास भैंसे और गाय हमने देखी और एक बहुत ही कम रेयर मिलने वाली बच्चिया जो कि गिर नस्ल की है सफ़ेद कलर की तो ये सारी की सारी भाई के पास अभी हैं सोनीपत के कौन सा गांव बताया था भाई साहब बैसवाल कला गांव रोहतक के नज़दीक है गोहाना के बिल्कुल साथ लगता गांव हम कह सकते हैं तो जो भाई लेना चाहते हैं भैंसे या गाय भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं नया नया काम शुरू किया है सेल परचेज का तो ये देखिए बहुत ही शानदार जोटी इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और अभी लगभग 12 बजे का टाइम है 6 बजे कितने बजे दूध निकाला है सुबह भाई इसका तो 6 बजे निकला जी वैसे 5 बजे लग जाए ज़्यादा पशु जी और भी 6 बजे दूध निकाला है जोटी का अगर 12 घंटे की जोटी हम आपको दिखाते तो बहुत ही शानदार रहती भाई को कहेंगे शाम के टाइम हमें फ़ोन से वीडियो बना के इसकी भेजे तो आपको वो वीडियो भी साथ ही दिखाएंगे कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई कैसी लगी जोटी सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार